Hey guys, welcome back to RDV. Thank you for tuning in to RDV. And today I woke up early because I had a shoot. So I planned some shoot in some Indian outfits, and I'm going to this hotel Marine Plaza in Marine Drive. So I'm going there, and I've packed a small suitcase जो यहाँ पड़ा हुआ है, और इसमें थोड़े थोड़े outfits हैं. Also मैंने cover record करा था नया, तो मैंने सोचा उसकी video भी वहीं पर बना लूँगा. So yes, and also I'm very excited because I'm vlogging on my new GoPro 11, jiska unboxing dekhoge aap abhi. Good morning, Misbah. Are you good hungry? Good afternoon, Aditya. Mainly good morning, na? No, this is afternoon. आपको भूख लग रही है क्या? I'm very hungry. अभी मैं अपना GoPro निकाल रहा था अपने पाउच में से, कहती कुछ खाने के लिए क्या? बेचारी है. Because I'm so hungry. अभी it's 2:30. My time is 1:30. खाते हैं कुछ खाते हैं. Yes. I'll see you guys when I reach the location. I am excited today. आज मैं थोड़ा प्रोडक्टिव मोड में उठा हूँ सुबह, सो देखते हैं कितना प्रोडक्टिव होता है आज का दिन. नहीं नहीं करेंगे आज. यस, सो दिस इज अ टेरेस जो हमें मिली है शूट करने, एंड आई लव द व्यू. यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, पूरा मरीन ड्राइव का पूरा व्यू आ रहा है. वाओ, यू कैन सी द होराइजन वेयर द क्लाउड्स मीट्स the sea, या पानी जो भी बोलो. अच्छा होटल है आज. मुझे बस वैसे बात लग रही है कि क्लाउड बहुत अच्छे लग रहे हैं आज. क्या कह रहे हो? सो दिस इज माई आउटफिट फॉर द फर्स्ट लुक. इट्स ऑल ब्लैक, ओब्वियसली इट हैड टू बी ब्लैक. ओमकार को मैं देता हूँ कैमरा, वो मुझे पूरा दिखाएगा कि कैसा लग रहा हूँ मैं. ओह बढ़िया बढ़िया. संगीत में आया हूँ मैं किसी के. चलो आज के अभी के लिए इतना, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं. वेरी सून. मेरे को पानी को देख के इतना सुकून मिलता है ना, मतलब मैं उसका कुछ बता ही नहीं सकता कि उसका कोई कंपैरिजन है कि दुनिया में कि नहीं है, बट नेक्स्ट लेवल जो मुझे सुकून मिलता है पानी को देख के. वाह, मेरे को याद है मैं जब स्टार्टिंग में मुंबई आया था, तो मैं ऐसा ऑल्टरनेटिव डेज या फिर वीक में 2 दिन रात को मरीन ड्राइव आ जाता था 12 बजे तक. फिर यहाँ बैठ रहते थे, मेरा एक फ्रेंड था जो मेरे साथ रहता था उस समय, उसका नाम भी आईडी था. तो हम आते थे यहाँ पे, बैठ रहते थे 2-2 घंटे, बूस्ट कॉफ़ी पीते थे, बात भी कम ही करते थे, मतलब बस पानी को देखते रहते थे बैठ के. मतलब अलग ही सुकून था. मतलब वो मेरे को जब भी मैं इस साइड आता हूँ मरीन ड्राइव की साइड पर, तो मुझे वही टाइम याद आता है अपना जब मैं स्टार्टिंग में आया था 4 साल पहले यहाँ पर. ये सारा खाना मेज़बान ने अकेले खाया है. No. क्योंकि गाड़ी में उसे बोलता बहुत भूख लग रही है. जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग. ये सब खाया है हमने चारों ने. सो दिस इज माय सेकंड लुक फॉर द शूट. इट्स ग्रे
एंड आई लव ग्रे यार, मेरे को अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है ये, फिटिंग भी अच्छी आई है। बट क्या सनसेट हो रहा है, क्या पानी दिख रहा है यार गाइस, कैसे दिखाऊंगा मैं। So I'm doing some Christmas shopping. I thought it'll be a fun activity. Because it's a date night. आज हमें कहीं बाहर जाना था बट हम दोनों बहुत लेट हो चुके थे अपने शूट से, तो कहीं बाहर नहीं जा पाए, सो मैंने सोचा घर पे ही हम कुछ फन कर लेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सरप्राइज हो जाएगा। सो यस आई एम एक्साइटेड, मैंने कैनवस भी लिया है, तो हम पेंट भी करेंगे थोड़ा फन एक्टिविटीज। घर आ चुका हूँ एंड अभी तक के लिए आई हैव डन ये थोड़ा सा, मतलब मैंने बस क्रिसमस ट्री खोल के लगा दी यहाँ पे। कैसे लगाऊं, क्रिस क्रॉस में लगाऊंगा ना। It's a date night. Guess who's walking in front of me? What a beautiful place. So it's the next day and we have come to shoot, and this place is in Powai. The name of the place is Eve. Eve hai, Eve, and it's so beautiful. इन्होंने Christmas decor करा हुआ है, इतना अच्छा लग रहा है। And अभी आशना रेडी हो रही है वहाँ पे, तो हमने एक कवर साथ में गाया था, तो उसका भी हम थोड़ा अभी यहीं पे शूट कर रहे हैं, क्लिप्स लेंगे उसकी। एंड वैसे वो उसका कुछ थोड़ा और शूट है अपना पर्सनल इंडियन आउटफिट में, तो वो बहुत सुंदर लग रही है पर मैं दिखा नहीं सकता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि शायद ये ब्लॉग पहले आ जाएगा। बट या दिस प्लेस इज़ सो, क्या डेकोर करा हुआ है, दिस इज़ माई फेवरेट कॉर्नर ऐसा अगर देखा जाए तो। ऐसा हमारी स्टेयर केस है, ऐसे विंटेज स्टेयर केस बहुत क्रेजी लगते हैं मेरे को ऐसा, बट वाओ नाइस वाइब। सो एज आई सेड कैन नॉट रिवील द लुक, रिवील तो कर चुका है, उससे पहले मेरे इंस्टाग्राम पे डाल दो, मैं एडिट कर चुका हूँ ये व्लॉग, बस ऐड करनी है मुझे ये सारी क्लिप्स आज की। व्हाट, तो आई एम फ्लैश, फिर मेरी ऐसे डालना। हाउ द ट्री लुक्स राइट नाउ, and we painted these two paintings, so yeah, so हमने ऐसा एक game खेला जिसमें हमें क्या करना था कि जैसे एक color use अगर आशना कर रही है तो उस वो एक color use करके मुझे, मतलब हम भी painting exchange कर रहे थे हर एक color use करने के बाद। सो स्टार्टिंग में जैसे मैंने एक ग्रीन वाला ऐसा ग्रास जैसा बनाया था कुछ मैंने, तो फिर उसने तब ट्री बनाया था मेरे लिए, हमारा ग्रीन कलर था पहला, तो फिर मैंने उसको पास करा एंड उसने मुझे पास करा वैसा, तो फिर उसने जो भी अपनी मर्जी से इसमें चेंजेस करे वो करे, मैंने फिर इसमें चेंजेस करे, फिर एक कलर यूज़ करने यार वाइट, फिर हमने एक्सचेंज करा ऐसा ऐसा, तो बहुत फन था, मतलब ऐसा डिनर करते करते एक एक कैनवास पेंट करे, और मुझे नहीं पता था कि सामने वो क्या पेंट करिए, मैं उसको नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो बहुत कूल था। सो यस इट वॉज अ गुड नाइट, आई वॉज वेरी हैप्पी एंड शी वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी, दैट्स व्हाट आई नीड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट, एंड ऑल्सो थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था ये थोड़ा, मतलब चीज़ें एकदम से हो रही थी बार बार, तो ये मैंने तीन चार दिन का लगातार इकट्ठे ब्लॉग करके डाल दिया है। सो आई होप आपको अच्छा लगे, एंड ऑल्सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेल यू कि हम लोग जा रहे हैं एक ट्रिप पे, उसके लिए मुझे पैक करना शुरू करना पड़ेगा अभी, क्योंकि हम आज रात को निकल रहे हैं। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग जो कि मैं वहाँ पर करूँगा ऑब्वियसली, एंड मिलते हैं, और आपको जगह के बारे में बहुत जल्द पता लग जाएगा। सो यस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, चलो होलो, मैंने पिछले ब्लॉग में होलो नहीं बोला था, लोग लिख रहे थे, तो लो भाई दो बार बोल देता हूँ, होलो चलो होलो।